खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रिलकुद के नाम से आमिन पदस्लिम खोखर की जानब से तमाम वीवर्स को बहुत बहुत सलाम अरसो उसकी स्ली पर जुबान मुबारक से निकले हुए कलमात को भी सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि वो कलमात हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बने मेरी दुआ है कि खुदावंद इस चैनल को नेशनल न्यूज़ चैनल को दिन दुग्नी रा चौगनी तरक्की तःफरमाए और सारी टीम को खुदावंद बड़ी बरकत फरमाए मेरी दुआ है कि कलीसिया इन सात आवाज़ों से सात कलम से हर एक कलमे के वसीला से खुदावंद हमें सीखने ताजगी पाने और फिर ज़िंदगी की बड़ी तब्दीली का इन्हें बाज़ ठहराए सात क़लमात जो हैं ये खसूस तौर पर हर एक ईमानदार की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये सांस की हैसियत रखते हैं इन सात क़लमात को अगर आप अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बनाएं तो आप में मजबूत बनते जाएंगे आप रूसे मामूर होते जाएंगे आप खुदावंत के फसल की दौलत से मलाामाल होते जाएंगे अब जिंदगी के लिए ये तैयारी के लिए मैं समझता हूँ मशले रहा है पहला कलमा जो खुदावंत की जुबान मुबारक से निकला जहां उससे पहले खुदावंत को मसलूब किया गया उसकी पेशियाँ की गई उसकी तजलील की गई उसके मुंह पे थूका गया उसके हाथों और पाँव में सली पर कीलों से उसे जड़ दिया गया और सर पे कांटों का ताज पछली में नेजा मारा गया उसके वजूद को लहू लुहान किया गया और कलाम कहता है ये शाह नबी के शहीफ़े के तिरपन में बाप में बाप को भी पसंद आया कि उसे कुचल डाले सो वो हमारी खातर कुचला गया है वो हमारी खातर घायल किया गया है उसने हमारी खातर दुख उठाए हैं और कलाम मुकदस में बारहा तौर पर यह बात वाज है कि वो आएगा दुख उठाने वाला खादम दुख उठाएगा और फिर मुएगा और जी उठेगा यसुमसी ने खुद अपने शगिर्दों से ये कहा था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा सो ये कलमात इन बातों के साथ जुड़े हुए हैं पहली बात जो है जो कलमा खुदाउंद ने जानकनी की हालत में इंतहाई कर्ब और दुख की हालत में स्लीपर से बोला ये स्लीप के इर्द गिर्द के लोग कौन थे पहली बात ये मुख्तलिफ लोग वहां पर मौजूद थे यस्ु के दुश्मन थे दूसरा कलमा जब हम देखते हैं तो इसमें खास तौर पर दुश्मनों के लिए खुदांद खुदा दुआ के बाद मुआी के कलमे के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मुख्तलिफ तबारीखी तौर पर तीन किस्म के लोग सलीब के इर्द गिर्द मौजूद थे यसु के दुश्मन गुनागार लोग नेक और मुकदस लोग पहला कलमा यसु ने दुश्मनों के लिए कहा आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं खुदावन दूसरों के लिए मुआफी और रहम की अपील बाप से करता है कलीसिया आज किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए इस आवाज को सुनती है जो मुआफी की है जो बहाली की है और दूसरों के साथ ताल्लुक को मुआफी के वसीला से बिल्डअप करती है दूसरा कलमा जो था गुनागारों के लिए था उस डाकू के साथ मुखातिब होकर खुदावन ने कहा था कि आज ही मेरे साथ तू फिरदोश में होगा खुदावन निजात देने के लिए आया था खुदाम फरमाता मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं तीसरा कलमा जो था खुदाम ने पर लटके हुए अपनी माँ और अपने प्यारे शागिर्द मुकदस योहाना के तालुक से कहा था चौथा कलमा पांचवा कलमा अपनी रूहानी अजियत और जिस्मानी अजियत के तालुक से बोला गया छठा कलमा जो था बाप की मर्जी की तकमील के लिए बोला गया कि बाप की मर्जी को उस काम को जिसके लिए कलाम मुकदस में लिखा है कि वो काम जो बाप ने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा किया है सो उस मर्जी की तकमील का कलमा कहलाता है सातवां कलमा खुदा से गहरी मोहब्बत और ईमान की इकासी के लिए अदा किया गया सात कल कलमात जो हैं एक मुस्त रूहानी और ईमानी दस्तावेज हैं ये यीशु के इंसानी निजात के मिशन का नुकता अरूज है ये बेश कीमत चौहर और कीमती खजाना है हमें से हर मसी ईमानदार को इन पर गौर वोज करना और इनके पैगाम पर अमल पैरा होना लाजमो मलजूम है सो तो आज मैं खास तौर पर इन कलामात की रोशनी में जो सातवां कलमा है वो आपके साथ बांटना चाहता हूं इस वक्त इसका थॉट जो है वो देना चाहता हूं ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं अगर आप हकीकत में जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर आपको मरने के लिए तैयार रहना होगा जो कुछ भी दुनिया में होता है मौत के खिलाफ एक जंग है मौत इंतकाल के लिए आती है मौत एक वादा है और इसके आने के मुताबिक खुदा उस वक्त को जानता है के लिए क्यों काबले तारीफ है जब आप यशुमसी को अपना शख्सी निजात दिंदा तस्लीम करते हैं तो फिर आपको बातमाद होना चाहिए कि आप मरेंगे लेकिन मसीह में जी उठेंगे आप मौत से खाइफ ना हो सबूर में जबूर ने इस कहता है मौत की वादी से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा इन द वैली ऑफ डेथ मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मैं मसीहा पर ईमान रखता हूं यसु अलमसी के साथ कल कलमात हमें ये सिखाते हैं ये बताते हैं हमारी डायरेक्शन को सेट करते हैं आज सफबंदी की भी बात की जानी चाहिए अलाइनमेंट की बात की जानी चाहिए कि ये कलमात हमें ये भी सिखाते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं तीन हालतों में जो मैंने पहले बयान की कि सलीब के इर्द गिर्द यस्ू के दुश्मन भी थे नेक और मुकदस लोग भी थे गुनागार लोग भी थे के अंजिली बयान के मुताबिक वो किस तरह मुआर उसने पुकार के कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं और यह कहकर दम दे दिया मैं थोड़ी देर के लिए मुख्तलिफ तराजम की बात करना चाहता हूं डिफरेंट ट्रांसलेशन की बात करना चाहता हूं फिर यस्ु ने पुकार कर कहा या चिल्ला कर कहा सो यहां पर खास तौर पर बीबीई बाइबल की एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश में फादर इंटू योर हैंड्स आई गिव माई स्पिरिट एंड ही हैड सेट दिस ही अप हिज स्पिरिट बड़ी आवाज से चलाया और एक दम बहुत ऊंची आवाज से नाराए बुलंद करते हुए उसने अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप दी सो so ये फिकरा जो है ये आयत जो है ये आखिरी कलमा जो है फतामंदी मंदी का कलमा भी मैं इसको कहूंगा ये बिलाशुबा फता की पुकार है क्योंकि मौत पर यीशु गाली आने वाला है और मौत के डंग को खत्म करने वाला है यीशु बड़ी आवाज से चुलाया फादर आई गेव माई स्पिरिट टू यू आफ्टर ही शाउटेड दिस ही सैड उसने एकदम बहुत ऊंची आवाज में कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं तुझे देता हूं यूं नारा बुलंद करते हुए फतह की पुकार को बुलंद करते हुए वो मुआ है आई एस वी के मुताबिक फादर इन टू योर हैंड्स आई एंड ट्रस्ट माई स्पिरिट पुरशोर आवाज से चिल्लाते हुए बुलंद आवाज से चलाते हुए आए बाप उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे स्पूर्द करता हूं इसका मतलब इंटरेस्ट किसी को तवील में अपने आप को दे देना और यह कहने के बाद हतमी तौर पर खामोश हरफ हुआ आफ्टर ही सट दिस ही ब्रेथ लास्ट के जे वी के अंदर यूं तर्जमा किया है जब येसु बड़ी आवाज से चलाया उसने यूं कहा फादर इन टू योर हैंड्स आई कमेंट माई ही सेव अप द आई बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं so, सौंपना जो है यह स्पूर्द करने का मतलब है कमेंट करना स्पूर्द कर देना यह कहने के बाद उसने अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप दी डब्ल्यू बी और एन एच ई बी में कमिट इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है स्पुर्द करना या सौंप देना केजेवी के अंदर यूनानी तर्जबा जब हम देखते हैं चिल्लाया का मतलब क्या है ये चिल्लाया का मतलब फोने जिससे फोन या आवाज कहा जाता है लफ्ज लिया जाता है फोने का मतलब है आवाज से चलाना जोर से चलाना नाम लेकर मुखातिब करना यानी आए बाप जूनानी जुबान का लफ्स बाप के लिए पातेर इस्तेमाल किया गया है तेरे इस्तेमाल किया है, दे दी और ये तू की अजाफी हैं, तेरे दो किसी को तू बुलाकर खसूसन कुछ खास चीज देना या खास चीज सौंप देना किसी के हाथों में तवील कर देना हाथों में खैरे का लफ्ज ग्रीक जुबान का इस्तेमाल हुआ है तेरी हजूरी में खैरे का मतलब है तेरी हजूरी में तेरी हिफाजत में और तेरे इख्तियार में सौंपता हूं यूनानी जुबान का लफ्स पैरा तो माए है इंग्लिश में कमेंड किया गया इसका तर्जमा है जिसका मतलब है कि मैं अपनी रूह तेरी हिफाजत में या तेरे हाथों में या तेरे इख्तियार में या तेरे हवाले करता हूं या स्पुरद करता हूं या तेरी तवील में देता हूं रू का देना रू का पनुमा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मतलब है सांस रू जान और ये कहकर उसने अपनी जान उसके स्पर्द की बाप के हाथों में दी अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दी तो ये चंद एक अल्फाज चंद तराजू में से हमने लिए हैं मैं अब इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है इन्हीं अल्फाज की सूरत में उसकी मौत के ताल्लुक से पेश करना चाहता हूँ पहली बात मसीह की मौत कोई अफसाना नहीं है मसीह की मौत कोई कहानी नहीं है ये हकीकत पर मबनी है सो मसीह खुदावंत जो है अफसाने की सूरत में नहीं हुए मसीह खुदावन की जिंदगी की मौत जो है वो कोई कहानी नहीं है किसी आम राइटर ने नहीं लिखी बल्कि सच्चाई और हकीकत पर मबनी है और इसका मतलब है पहला पॉइंट मेरा यह है कि वो हकीकत में मुआ है उसकी मौत सवरी या ख्याली नहीं है वो हकीकत में मुआ यसू का बदन हकीकी तौर पर इंसानी था उसने इंसानी फितरत की तमाम गुना आलुदा कमजोरियों का तजर्बा किया है वो जानता था कि वो बदन में मरेगा योहाना ने यकीनन यस्सु के मुतालिक इस बयान को रकम किया कि वो मुआ जब सिपाहियों ने सलीब सलीबों के पास आकर देखा तो इस बात की तस्दीक की कि यसु मर चुका है जो के इंशील के उन्नीसवें बाप की तैंतीसवीं आयत के मुताबिक ये शहादत उन सिपाहियों ने दी है पास आकर जब देखा तो उन्होंने शहादत दी कि यसु मर चुका है इसलिए उन्होंने उसकी टांगे ना तोड़ी जब यूसफ और नेकोदीमस ने बादशाह के पास जाकर बड़ी जरूरतमंदी से यीशु की लाश मांगी ताकि उसे इज्जत के साथ दफन करें तो यह बात भी इस बात की शहादत है कि वह यकीनन मुआ है रोमी सरकारी गवाह जो थे गवाही थी रोमी सिपाहियों की सरकारी तौर पर जब उन्होंने उसकी टांगे ना तोड़ी उसके पास जाके चेक किया और उन्होंने तस्दीक की ये गवाही थी ये गवर्नमेंट की तरफ से रोमी सिपाहियों की तरफ से सरकार की तरफ से कि वो मर चुका है के मुसनफिन भी गवाही देते हैं कि वो हकीकत में मुआ है वो सली पर बेहोश नहीं हुआ फिर जब उसे कबर में जिंदा होने के लिए रखा और दावा था कि वो जी उठेगा वो हकीकत में मुआ जो जी उठेगा अगर वो मरा ही नहीं तो वो कैसे जी उठेगा इसलिए वो हकीकत में मुआ है और शहादत ये है कि जो मर गया है वो जिंदा हुआ है वो हकीकत में मुआ और उसने हर एक के लिए मौत गवारा की कलाम में मुकदस में मौत का लफ्स बहुत कम इस्तेमाल हुआ है बल्कि बहुत ज्यादा लफ्स जो है वो नींद इस्तेमाल हुआ है पहला तसल चौथा बाप चौदवी आयत के मुताबिक लेकिन तौर पे यहां जब की मौत का तजकरा करते हैं तो खास यहां पे इजी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन पेश किया गया है आफ्टर ही शाउटेड दिस ही डाइड जोर से चिल्लाने के बाद वो मुआ वो हकीकत में हुआ उसने पूरे तौर पर मौत का मजा चखा है और फिर हम देखते हैं कि पिछला दुश्मन जो मौत था वो उस पर गाली पाया और मौत फता में तब्दील हुई है दुश्मन पहला मौत था उसने मौत के डंक को तोड़ा है और मौत फतेह में बदल गई है यह फतेह की पुकार कहलाती है बड़ी दिलेरी से इम्तिहान आजमाइश का मुकाबला किया दुखों का मुकाबला किया और उसके अंजाम का भी मुकाबला किया हम ये सोचना छोड़ देते हैं मेरे लिए मुआ तो इसका मतलब है कि हमें मौत का कोई खौफ नहीं है दूसरी बात वो कामिल तौर पर मुआ पुर एतमाद मौत मुआ है हकीकत में मुआ कामिल तौर पर मुआ पुर एतमाद मौत मुआ है जे पहलू मुशीक उदाम की मौत की दूसरी खसूसियत की तरफ हमें माइल करता है वो महज हकीकत में ही नाम हुआ बल्कि कामिल तौर पर पुर एतमादी के साथ मुआ है उसने कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में देता हूं मैं अपनी रूह तेरे स्पुर्द करता हूं लुका किंचील तेईस बाप की छियालीसवीं आयत में तीसरी खसूसियत बाप की हजूरी की बात की जाती है इस कलमे में वो पुर एतमाद मौत मुआ क्योंकि बाप की हजूरी उसके साथ थी उसने कहा है, बाप स्लीपर तीन मरतबा ने खुदा को मुखातिब किया पहले कलमे में उसने कहा आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं मुकदस लुका का अंजिली बयान तेईसवा बाप चौंतीसवीं आयत के मुताबिक फिर दूसरी दफा चौथे कलमे में आए मेरे खुदा आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया मुकदसमती का अंजिली बयान सताइसवें बाप की छियालीसवीं आयत में और फिर सातवां कलमा यह है आई बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं आई कमेंड माई स्पिरिट इन टू योर हैंड्स ये बात काबिल गौर है कि लफ्ज़ बाप अक्सर हमारे खुदात की जुबाने मुबारक से निकला है जब वो बारह साल का था तो उसने कहा क्या तुमको मालूम न था कि अपने बाप के घर में होना जरूर है मुकदस लुका मुकदसलूकाशीली बयान दूसरा बाप उसकी उनचासवी आयत न्यू बाइबल कमेंट्री के मुताबिक लिखा है उसमें बयान किया गया है उसने अपने वाले को मुसर अंदाज से जवाब दिया कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है जिसका असल मतन में तर्जमा यू किया गया है मुझे मेरे बाप का काम करना जरूर है मुझे उस काम को करना है उस मिशन को पूरा करना है जो बाप ने मुझे करने को दिया है क्या आपको मालूम नहीं कि मैं उस को पूरा करूं उस मिशन को खुदावंत के हजूर पूरा करना चाहता हूं जिस मिशन को बाप ने मुझे दिया है तर्जमा खास तौर पर हमारी रहनुमाई करता है कि हम एक बाजमीर और पुरखलूस तरीके से इस बात को समझ सकें जिस तरह यस्ु खास तौर पर एक बाज़मीर और पुरखलूस यहूदी यहूदी के मजहबी तौर पर बेटा था तो बेटा होने की सीत से मजहबी तौर पर वो अपने माँ बाप की भी फर्माबरदारी कर रहा था लाजिम है कि अगरचे वो अपने वालदेन की फर्मा बरदारी कर रहा था तो उसके साथ उसने बाप के साथ अपने रिश्ते को पहली प्रायोरिटी पहली तरजीह दी है ही सेट अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू मेक अस्ट्रॉन्ग रिलेशन विद हिज फादर उसने बाप के साथ तरजीह दी है अपने रिश्ते को तालु को विलियम बार के लिए यूं बयान करते हैं यसु ने जब स्ली पर जान दी तो उसके लबों पर यह दुआ थी आए बाप मैं अपनी रू तेरे हाथों में सौंपता हूं यजबूर इकतीस उसकी पांचवी आयत का इक्तबाश है जिसमें एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया बाप का यह आयत एक ऐसी दुआ थी जो हर यहूदी मां रात को सोने से पहले हर रात का काला अंधेरा छाने से पहले अपने बच्चों को सिखाती और उनके साथ बांटती और शेयर करती थी कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ मसीह ने ये दुआ की और इसमें बाप का ज़फ़ा करके मजीद इस दुआ को खूबसूरत बनाया कि आए बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों सौंपता हूँ बल्कि सरे सलीब मसीह बल्कि एक बच्चे की तरह अपने बाप के बाजुओं में सो गया है पहाड़ीबाज में तकरीबन फिफ्टीन टाइम्स बाप इस्तेमाल किया है बाला खाने में इजहार किया और अपनी बुलंद मर्तबा दुआ में जिसका तस्करा खास तौर पर योहाना की इंजील के चैप्टर सेवनटीन में सत्तरवें बाप में हम देखते हैं बाप से मुखातिब होकर दुआ की है वो पुर एतम अंदाज पुर एतम तरीके से खुदावन की हजूरी में है वो पुरमाद तरीके से मुआ वो बाप की हजूरी में मुआ है चौथी बात वो पुर इतमादी से मुआ क्योंकि बाप का वादा था जबूर इकतीस पांचवी आयत का खास तौर पर मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं आई सिंचाई के खुदा तूने मेरा फितिया दिया है जबूर इकतीस पांचवी आयत अतीक में वादा था और यसु ने उसे बजाते खुद पूरा किया उसने लफ्स बाब का इजाफा किया है इसे तब्दील किया क्योंकि वो कलाम का मुशन्फ है ही इज द गॉड्स वर्ल्ड He is the author ही इज दर ऑफ होली स्क्रिप्शन ऑथर ऑफ होली बाइबल उसको तब्दील कर सकता था वहां आए बाप इकतीसूर की पांचवी आयत में आए मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूँ यहाँ एक लफ्स का इजाफा किया मोहब्बत की गहराई और वसत और रिलेशन को खुदाउन पेश करते हैं जिसमें फर्मा बरदारी है कि मैं उस मिशन को उस काम को पूरा करने आया हूँ जो बाप ने मुझे दिया था सो तो ये बाप का लफ्स जो है वो रिश्ते की नज़ाकत को पेश करता है, कुर्बत को पेश करता है और बाप की हजूरी का गहरा तजर्बा यहां पर मौजूद है आए खुदा, खुदा तूने मेरा फिदिया दिया है यसु का अपना फिदिया कभी नहीं दिया गया वो अपनी जान का नजराना देने नहीं आया था वो गुनाकारों के लिए फिदिया देने के लिए आया था उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने लिए फिदिया दूंगा फिदिया देने आया हूं उसने अपने लिए नहीं दिया वो बेऐब था और बेऐब को अपना फिदिया देने की जरूरत नहीं वो दूसरों के लिए फिदिया देता है वो हतमी और कामिल सूरत में मसीह खुदावंत जो है खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है उसने खुदा के कलाम का दावा किया और अपने आप को बाप के हवाले कर दिया पर इन तीन दुआओं का कलाम में खास तौर पे तस्करा जो है हम देखते हैं यस्सु ने दुआ की आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं उसने ये साया बारहवें बाप की त्रिपन आयत की तकमील की है कि उसने बदकारों की, की है जब वो चलाया आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया यहां उसने जबूर बाईस का हवाला दिया जब उसने कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं योना तेईस बाप की छियालीसवीं आयत तो उसने जबूर इकतीस की पांचवी आयत की तकमील की है आप खुदा के कलाम के मुताबिक मर सकते हैं क्या आपके पास तसली है कि आप मौत में इतमाद का तजर्बा करेंगे हमारे पास एक तसली है कि हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें जिंदा करता और कलाम में लिखा है खुदावन जिंदगी की बातें तेरे पास है खुदा तेरा कलाम मुझे जिंदा करता है वो बाप की हजूरी में पुरमादी और बाप के वादे के मुताबिक मुआ है पांचवी बात बाप की सरपरस्ती साथ है बाप की सरपरस्ती उसके साथ थी आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं इसका मतलब है वो पास है जिसको कोई चीज पकड़ाई जाती है जो साथ है उसको कुछ दिया जाता है तो उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों तो उसने देखा कि बाप मेरे साथ है कई घंटे गुजरने के बाद खुदावंद गुनागारों के हाथ में रहे उसने अपने शागि से कहा था जरूर है कि मैं गुनागारों के हाथों पकड़वाया जाऊं गुनहगारों ने उसको पकड़वाया उसे बांधा गुनागारों के हाथों ने उसे मारा गुनागारों के हाथों ने उसके कपड़े उतारे गुनागारों के हाथों ने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया और गुनागारों ने उसके हाथों में पाओ में की लगाए पसली में नेजा मारा सर पे कांटों का ताज रखा जब उसने अपना काम पूरा किया इस मिशन की इलाही मिशन की डिवाइन मिशन की तकमील करता है अकम्पलिशमेंट करता है तो फिर गुनागारों के हाथों ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि वो बाप के हाथों में था लिखा है वो बाप के हाथों में था वो इतमादी से मुआ है क्योंकि वो बाप के हाथों में था लिखा है तूने मुझे दुश्मन के हाथों में असीर नहीं छोड़ा जबूर इकतीस की आठवीं आयत फिर आगे बढ़े तो लिखा है मेरे अयाम तेरे हाथ में है मुझे दुश्मनों और सितने वालों के हाथों से छुड़ा इकतीस की पंद्रही आयत अजीम हिफाजत खुदा बाप के हाथों में है आए अगर आप उसके हाथों में हैं, तो आपकी हिफाजत वो खुद करता है जिस तरह खुदा उनके कला में लिखा है। विलियम एक डोनल ने फरमाया क्योंकि वो एक अजीम पना है और वो लासानी पना है खुदा की हजूरी वो मकाम है जहां उसके बरगुजीदा मुकदसन इंसान की कीना परवर साजिशों से बचने के लिए पनाह हासिल कर सकते हैं इसलिए उसने कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ मैं अपनी रूह को तेरी सरपरस्ती में देता हूँ मैं अपनी रूह को तेरी हिफाजत में देता हूँ ये वाज भरोसे का खास इजहार है कि वो बाप की सरपरस्ती में है और बाप उसके साथ है छठी बात रजामंदी की मौत है इवजी मौत है उसकी मौत हकीकत में हुई पुर एतमादी से वह मुआ इसी तरह उसकी मौत जो है रजामंदी की मौत थी एक ख्याल के मुताबिक हम देखते हैं कुछ तराजू में लिखा वो मार डाला गया विलियम जी फरमाते हैं उन्होंने इस इकतबास को एक पुराने सलीबी नुस्खे से हासिल किया जिसका इनवान किताब बराए यसु मसीह है उसमें यूं लिखा है सब बनी नौ इंसान की खातर मसी ने अपने जिसम को पेश करके उसको शरीरों के हवाले कर दिया ताकि वो समझे कि इंसान की जिंदगी टमटमाती शमा की तरह है अपनी जिंदगी को इस मौजूदा दुनिया के सब इंसानों के इज नजर करके मसी ने अपना बदन पेश किया और फिर जान से मार डाला गया मजीद बरा ओरिगन का शगिर्द अमरोज इस हकीकत पर जोर देता है और इस बात को उसने यू रकम किया ना सिर्फ हमारा नुमाइंदा बल्कि हमारा इवजी है वो दुनिया के लिए आया है और इवजी बनकर आया है पत्रस ने कहा जब वो खुदा के मुकर्र इंतजाम और इल्मे साबिक के मुआफिक पकड़वा दिया गया और तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला रसूलों के इमाल दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत के मुताबिक एक और ख्याल है कि मार डाला नहीं गया बल्कि उसने अपनी जान रजामंदी से दी उसने कहा बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है वो रजा कराना तौर पर मुआ यह एक बात है अतीक में कोई ऐसी कुर्बानी नहीं जो रजा कराना तौर पर दी गई हो ये कुर्बानी काबिल होदर और काबिल सितइश है अब बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं वो हकीकत में मुआ वो पुरमादी के साथ मुआ वो रजा कराना तौर पर मुआ यह ने अपनी जान से पहले अपने दुश्मनों को माफ कर दिया अपनी जान देने से पहले डाकू को निजात बख्शी अपनी जान देने से पहले अपनी मां का ख्याल किया अपनी जान देने से पहले बाप का खुदा कब तक हमें जिंदा रहने के लिए वक्त देगा हर दिन हर मिनट हमारा है यह खुदा के फसल का तोहफा है आज हमें अपने दुश्मनों को मुआफ करना है यही समझे कि शायद हम इससे पहले मर ना जाए हमें एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में कोई बात लेकर नहीं मरना है बल्कि मरने से पहले निजात का पैगाम दूसरों के साथ बांटना है जो हम पर इंसार करते हैं हमें उनको उनकी देखभाल करनी है वफादारी का इजहार करना है जब हम मरने के करीब हों तो हमें खुशी दुआ और खास तौर पे अपनी जान खुदा के स्पुर्द कर देनी चाहिए क्योंकि जो काम खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है हम पहले उसे मुकम्मल करें आखिरी बात ये फतामंदी की मौत है दर हकीकत में वो मुआ है वो कामिल तमाश से मुआ है रजामंदी से मुआ है फतामंदी से मुआ है बुलंद आवाज में फतामंदी का नारा बुलंद करते हुए चलाया आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं उसने बाप के दिए हुए काम को पूरा किया है एक राइटर कहता है दिस्तन तौर पर आवाज बुलंद इसलिए की गई है क्या बाब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं अगर लोगों को नजर नहीं आ रहा तो कम से कम ये जान ले कि मसीह की मौत वाकई हो चुकी है एक इंतहाई दलेराना फजल था और फता मंदी की मौत थी ऊपर से नीचे तक पर्दा फट चुका है कब्रें खुल गई हैं मुकदसों के जिस्म जो सोए थे जी उठे हैं यसु ने साबित कर दिया कि उसने गना और मौत पर फता मंदी से गाली बाकर पिछले दुश्मन को नेस्त कर दिया है आज मैं और आप इन कलमात की रोशनी में अपने दुश्मनों को कितना मुआफ़ करते हैं हम निजात का पैगाम कैसे गुनाहारों तक पहुँचाते हैं अपने वालदान का दोस्तों का कितना ख्याल करते हैं हम उसके लिए दुख उठाने के लिए कहाँ तक तैयार हैं रूहानी तौर पर भी जिसमानी तौर पर भी और फिर हम बाप की आवाज़ में आज अपने आप को कहाँ देखते हैं बाप ने मुझे चुना है क्या मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि जो काम उसने मुझे दिया था वो मैंने पूरा किया है इसलिए अब मैं अपनी रूह खुदावन के सुपुर्द करता हूँ खुदाउंद आप सबको बरकत दें इख्ताम पर आप सबको बताना चाहता हूँ ये किताब अगर हासिल करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं ये मेरे कलमत की किताब है जो मैंने लिखी है इसका इनवान जो है मुकदमसी और साथ सलीबी कलमत हैं इस किताब अज़ा के वसीला से खुदा अमद सब को बरकत दे जो लेना चाहें वो रबता करें और इन कलमात के वसीला से खुदाद सब को बरकत दे और आने वाले ईस्टर का जश्न आप सब के लिए वाकई जिंदा की जात का तजर्बा करने और पालूस की तरह ये कहने का हक बख्शे कि अब मैं मर गया हूँ मसीह मुझ में ज़िंदा है खुदा बाप बेटे रुहुल के नाम से आमिन